वी डूज एंड वेलकम बैक टू एंड मेरियल जोन, जहाँ पे आपको बेबलेड से रिलेटेड ऑसम कंटेंट रेगुलरली मिलते रहती है। तो यार आज की जो वीडियो होगी वो होगी बेबलेड सीजन 6 आएगा क्या, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या वॉल्ट मेन कैरेक्टर हो सकता है। तो इन सब पेपर डिस्कशन होगा इस वीडियो में, और अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करें तो चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमेशा ऐसा कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ जो बाजू का बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ चलो यार वीडियो को शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को फुल्ली देखना, वरना तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाते ऐसे बोलते रहते हो वीडियो फुल्ली नहीं देखते हो। तो ठीक है, हम लोग अपनी वीडियो को बिना किसी और बकवास की चलते हैं। तो जो बेब्लेड का सीज़न 6 है वो फाइनली कन्फर्म हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो बेब्लेड सीज़न 6 है वो आएगा मार्च या फिर अप्रैल में, और चलेगा जून तक, और ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ होगी और स्पार्किंग के बाद आएगी। और पहला जो बेब्लेड रिलीज होगा सीजन 6 का बेब्लेड वो होगा वैल्ट्री एग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वैल्ट्री के बारे में, तो सुना ध्यान से, जो वैल्ट्री एग होगा वो रिवील होगा पहले। तो यहाँ पे देखो यार, मैं पहला प्रूफ बताने वाला हूँ जिससे वॉल्ट जो है मेन कैरेक्टर हो सकता है, आप कैसे उसको सुन लो। तो देखो यार, सभी जो यानी कि मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेब्लेड पहले रिवील होते हैं, जैसे कि सुपर हाइपियंस और किंग हेलियोस पहले में रिवील हुए थे, यानी कि 28 मार्च को रिवील हुए थे। और उसके साथ बहुत सारे लोग कहने वाले कि भाई यार मेन कैरेक्टर के बेब्लेड का साथ तो बहुत साइड कैरेक्टर्स का भी होता है, जैसे कि रंतारा को हो गया, साइलस का बेब्लेड रिवील हुआ था। हाँ जानता हूँ रिवील हुआ था इससे कोई, तो बहुत सारे लोग कहने वाले, तो इससे तो प्रूफ नहीं होगा ना कि वैल्टर पहले निकलेगा तो वर्ल्ड मेन कैरेक्टर होगा। तो देखो इसमें देखो, साइड कैरेक्टर्स के बेब्लेड जब रिलीज होते हैं हम लोग को पता होता है, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं बन सकते हैं। हाँ क्योंकि पता है, क्योंकि रंतार और साइलस कैसे मेन कैरेक्टर बने सबको पता है। और जब कोई नया कैरेक्टर आ जाता है सीरीज़ में, जैसे कि मान लो कोई नए कैरेक्टर से हाइरो और हिकारो आए थे और उनका भी फर्स्ट में रिव्यू आता था, सबको पता ही चल गया था कि भाई ये लोग मेन कैरेक्टर ही होंगे। पर देखो यार, यहाँ पे जो वॉल्ट है यानी कि एक लेजेंडरी बेब्लेड है, तो उसका बेब्लेड बहुत देर से रिवील होता है, यानी कि जैसे कि मान लो उसका बेब्लेड कहीं अप्रैल में रिवील हुआ था जब स्पार्किंग में ब्रेव वॉल्ट रिलीज हुआ था, तो ऐसा होता है। पर अभी ब्रेव वॉल्ट यानी कि जो सीजन 6 का वॉल्ट होगा पहले रिवील होगा, तो इससे क्या पता लगता है क्या वॉल्ट मेन कैरेक्टर हो सकता है। तो यही नहीं तो मेरे पास और सेकंड थ्योरी, उसको भी सुन लो। तो मेरे सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इतने सारे मेन कैरेक्टर को एक साथ नहीं लाया जा सकता। देखो इतने सारे मेन कैरेक्टर होंगे, अगर सीजन 6 में कोई नए मेन कैरेक्टर ऐड कर दिया जाए, हिकारो होगा, ड्रंटे आएगा और वॉल्ट, ये तो 6 हो जाएंगे, और इतने सारे कैरेक्टर्स को लाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक न्यू प्रोटैगनिस्ट आ जाए तो यार इतने सारे 6 मेन कैरेक्टर्स को रखना मुश्किल होगा, तो स्टोरी बहुत ज़्यादा फालतू में भी हो सकती है, क्योंकि अगर इतने सारे मेन कैरेक्टर होंगे तो स्टोरी थोड़ी सी बेकार में चल जाएगी। तो यहाँ फिर जो हो सकता है कि भाई यार स्टोरी में सोचा हो कि वॉल्ट सबसे पुराना मेन कैरेक्टर, तो हो सकता है उसको मेन कैरेक्टर बना दे सीजन 6 के लिए, जिससे स्टोरी थोड़ी सी अलग हो, तो ऐसा हो सकता है। पर ये कोई कन्फर्म नहीं है, 50-50 चांस में है, और तभी पता चलेगा जब यार सीजन 6 आएगा। तो हाँ यार, आज का वीडियो खत्म होता है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना और चैनल बनाना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिस्मिल्लाह, और हमेशा की तरह खुदा।